बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज का जो लुक है ना, वो मैंने स्पेशली क्रिएट किया है इस फेस्टिव सीज़न के लिए। तो आप इस लुक को कैरी कर सकते हो इस फेस्टिव सीज़न के लिए, या फिर पार्टी के लिए। वेडिंग सीज़न भी अभी तो आने वाला है, उसके लिए भी कैरी कर सकते हो। और जो अभी नवरात्रि में रेड डे लुक होता है ना, उसके लिए भी आप इस लुक को कैरी कर सकते हो। तो बहुत ही कम प्रोडक्ट मैंने यूज़ करके इस लुक को क्रिएट किया है, चलिए देखते हैं। मॉइस्चराइज़र के लिए सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी डॉट एंड घी का ये विटामिन सी का मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी अच्छा है, आपने देखा होगा मैंने इसको प्रीवियसली भी यूज़ किया था। काफ़ी लाइट वेट है, जेल मॉइस्चराइज़र है और ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपके फेस पे। तो मॉइस्चराइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस के ऊपर। और उसके बाद जो है मैं अप्लाई करने वाली हूँ प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है NYB का प्राइमर। ये काफ़ी अच्छा है और अफोर्डेबल प्राइस में आता है, आप इसको चेकआउट ज़रूर करिएगा पर्पल पे, ये आपको वहाँ पे डिस्काउंट में मिल जाएगा। और इसके बाद जो है मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन। तो मैंने वही फाउंडेशन यूज़ किया है MAC का, और मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर दूँगी पूरे फेस के ऊपर। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और नेक पर भी आपको अप्लाई करना है फाउंडेशन। और फाउंडेशन को ब्लेंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो फेस है वो केकी ना लगे। और इसके बाद मैंने यूज़ किया है NYB का कॉन्टोर, और ये जो है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ कलर करेक्टर भी। तो ये क्रीम कॉन्टोर हो जाता है और इसको ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोर करना था। और उसके बाद जो है मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसको भी ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, तो इस तरीके से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है कंसीलर, और ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, आप अपना शेड चूज़ कर सकते हो। और मैंने भी इसको ऑनलाइन बाय किया था नायका से, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है, अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है। तो आप भी इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। तो इसको भी जो है मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और पूरे फेस पे जो है अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ मैंने इसको ये किया था। उसके बाद जो है मैं सेट कर रही हूँ अपने मेकअप को कॉम्पैक्ट से। तो मैंने यहाँ पे मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, और इससे जो है आपका मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा। आई शेडो के लिए जो है मेरे पास रेड आई शेडो नहीं था, तो मैंने क्या किया, जो रेड लिपस्टिक होती है ना, बस उसी को अप्लाई कर लिया। और ये जो लिपस्टिक है ना, ये ख़त्म हो गई थी, इसकी वजह से मैं इसको बहुत इजीली अप्लाई कर पा रही थी क्योंकि ये हल्की ड्राई हो चुकी थी। और इसको मैंने जो है अप्लाई कर लिया सिर्फ अपने आई लीड्स के ऊपर, इसको अच्छे से अप्लाई करना है। और उसके बाद जो है मैंने इस पैलेट से ब्राउन कलर लिया है, हल्का सा जो ब्राउन कलर आता है लाइट कलर, उसको मैंने अप्लाई कर लिया है ऊपर क्रीज के ऊपर। और इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेना है। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा दिखता है आपका मेकअप। तो मैंने जो है वो कलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो उसके बाद जो है इस पैलेट से मैं यूज़ करूँगी ग्लिटर शेड। तो गोल्डन कलर का ग्लिटर शेड जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, और इसको सिर्फ अपने आई लिड के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ। और ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, हल्का हल्का ग्लिटर लेके अप्लाई करना है। और ये जो पैलेट है वो सिवाना का पैलेट है, इसमें काफ़ी अच्छे कलर्स हैं और ये बहुत ही अच्छा है, पिगमेंटेड है। उसके बाद जो है मैं आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। दोनों को अच्छे से सेट करने के बाद मैं जो है यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए जो मैंने शेड लिया है वो रेड कलर लिया है, और ये मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा शेड है, क्रीमी है। उसके बाद मैं आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने लिया है मेबलिन का। लेकिन इसका जो एप्लीकेटर है ना, ये बहुत ही घटिया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और इससे आईलाइनर ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल जाता है, तो मैंने नॉर्मल जो है आईलाइनर ड्रॉ कर लिया। मस्कारा के लिए मैंने लिया है कोलोरोसेंस का मस्कारा, और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी 2 से 3 कोट। यहाँ पर मैंने कोई फेक आईलैशेज यूज़ नहीं किए हैं। तो मैंने अपने दोनों आईज़ पर मस्कारा अप्लाई कर लिया है अच्छे से। और इसके बाद जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल, जो कि थोड़ा सा टफ है मेरे लिए क्योंकि मेरे जो है आंसू निकल जाते हैं, लेकिन ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ब्लैक कलर का काजल अप्लाई कर लिया, और अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। तो सेम जो सिवाना का पैलेट है उसी में से मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। काफ़ी अच्छे
ब्लश के इसमें शेड्स हैं, और इस तरीके से मैंने जो है अप्लाई कर लिया। और अभी जो मैं है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और मैं इस तरीके से छोटे ब्रश से ही अप्लाई करती हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है। तो मैंने जो है अपने चिक बोन्स पे अप्लाई कर लिया, और इसको भी अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड है ये कलर। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अब इसको कंप्लीट करते हैं ज्वेलरी के साथ। तो मैं यहाँ पे ज्वेलरी जो मैंने यूज़ की है, ये मुझे इंस्टा स्टोर से रिसीव हुई थी मॉडर्न वॉक से। मैं उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जाके चेकआउट करिएगा। अगर आप बाय करते हैं तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ करिएगा, जिससे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको जो कूपन कोड है वो दिख रहा है स्क्रीन पे। और इनकी जो ज्वेलरी की क्वालिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ है उनके पास, आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। ये मिरर वाला इयररिंग्स भी कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने जो है अपना लुक कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा आपको ये मेकअप लुक मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।